नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल के इलेक्शन एक्सप्रेस इस समय आ चुकी है दौलतपुर गांव में, जो दौलतपुर नवादा जिले में, ब्लॉक कौन सा है आप लोगों का? हिसुआ ब्लॉक में। देखो यार, वैसे तो ये जो देश दुनिया के प्रदेश के अलग अलग जैसे गांव होते हैं वैसा ही एक गांव है आम सा, मगर इस आम गांव को खास बनाने वाली जो एक चीज़ है वो यहाँ एक बहुत स्टार फुटबॉलर हुआ, नाम था मेवालाल। और उनकी अगर आप सोशल डेमोग्राफी देखें, उनकी जाति देखें, तो किस जाति थे? डोम थे, तो एससी कैटेगरी। अब के समय में देखें तो महादलित, जो महादलित की कैटेगरी, महादलित के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी देखा सुना उनको? हम लोग नहीं देखे, जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसे थे, वैसे थे, बलनाटे थे और काले थे, देहगर थे। हम लोग तो देखे, हम लोग का जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। जैसे आप लोगों के गांव का इतना कोई मशहूर खिलाड़ी रहा, उसके नाम पर कुछ है यहाँ पर? बड़े बुजुर्ग भल कहते हैं, बोले एक बाबा जी है, इनको कुइयां है, कुछ जमीन भी है इधर उधर, बोले कुछ में स्कूल भी बना हुआ है, कुछ में ग्रामीण रह रहा है, कुछ बेच भी दिए। सही है, बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं हम लोग सुनते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? हम लोगों ने मतलब नौजवानों ने नहीं देखा? नहीं, नौजवान लोग नहीं देखा। एक यहाँ भाई साहब हैं जिन्होंने देखा भी है उनको। आप देखे तो कैसे दिखते थे? वो नाटे थे कैटेगरी के और हेल्थगर थे कुछ। अब भाई मुखिया जी के पास आए थे, बंगला पर थे, चौकी तर बैठल थे, एगो तकना वृक्ष हुआ बैठते थे भाई मुखिया जी के बाबू जी। अच्छा, चौकी पर बैठे वो जे बसा बसी सब हुआ मुखिया जी से। मुखिया जी यहाँ आके गान बजान सब किए हमरा। जैसे आप एक किस्सा सुना रहे थे अभी कि आए तो पहले वो जमीन पर बैठ गए। हाँ, जमीन पर बैठे हैं। हाँ? हाँ। तो वो जो मुखिया जी हैं वो किस जात बिरादरी के हैं? भूमिहार हैं। अच्छा, वो भूमिहार हैं। तो ये आए तो अपनी जो जाति है, पुरानी जो सारी चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से उजा करके नीचे बैठ गए। हाँ, नीचे बैठ गए। तो उसके बाद वो लोग क्या किया? उनको बैठाए ऊपर। हाँ, कि हम सब श्रेष्ठ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप आथी तक पहुंचे हुए हैं, हमेशा जब आप कुर्सी पर आके बैठी तो चौकी पर बैठे। ओकर बाद बातचीत हुआ, हम निकल गए। हम गृह से आप देश दुनिया में जहाँ भी जाते हूँ तो आप लोग बताते हो हम लोग दौलतपुर गाँव के हैं। नहीं, और हम लोग से नहीं हुआ तो दौलतपुर कैसे कहेंगे? अच्छा, मतलब आसपास का गांव है। आसपास का गांव, ठीक है। तो मगर आपने देखा है उनको जब यहां आए थे वापस लौट कर? हाँ। उनके नाम पर कुछ कार्यक्रम वगैरह नहीं करते हैं आप? हाँ, कुछ कार्यक्रम मुखिया जी किए। हाँ, जैसे यहाँ बातचीत जो हो रही है, कुछ लोगों ने देखा है मेवालाल को, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। एक एक आप अपना नाम बताइए और आपने कब देखा, कैसे दिखते थे मेवालाल? कहिया आए जी, 20-25 वर्ष आया है। अच्छा, हाँ, देखे जाइए। अच्छा, कैसे दिखते थे? फुटबॉल खेल रहा था तब देखे हमें। अच्छा, वो फुटबॉल खेल रहे थे यहाँ के? हाँ, हैं? हाँ। तो कोई उनको लेकर के कोई किस्सा कहानी गांव में चलता है? दौड़ता था तो बहुत तेज दौड़ता था, हवा जैसे दौड़ता था गेंद लेके। पहले चला, लेकिन हम ही तो नहीं देखे, लेकिन हम देखे खेलते देखे, पर खेला रहा था। अच्छा, देखे हम, लेकिन गेंद खेले लाया था तो हम देखे खेलते, हम खेले। आप भी साथे साथे खेले? हम खेले हैं, फुटबॉल खेले हैं। हम खेले हैं तो। हाँ, कितना फुटबॉल खेले हैं, कहाँ तक? हाँ, तो हम कहाँ तक खेले ना, हमें तो बड़ी खेल ली लेकर छोड़ा भाई। जहाँ 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 खेले बड़े तारमा गलिये खेले ले, फिर गलिये पचू के बढ़ावना नहीं गलिये, हादसा हादसा नहीं रे, हादसा गोनर बिहार, आज गोनर बिहार भी आती तर्मा तर्मा तो के लिए वो नहीं गए लिए हो। तब बूट पहन के खेलते थे कि उघारे घोड़े? ना, हमारी सब उघारे पुघारे उघारे पुघारे तो उघारे पुघारे में तो इंटरनेशनल में कैसे खेलेगा लोग? तो ना, उघारे पुघारे तो हम खेलबे किए भाई, हमारी सब लूरे में था। हाँ, तो कोची लुंगी ना पहन के जंगिया पहन पहन लुंगी कहा जंगिया पहन पहन खेले, लुंगी पहन के कहा लुंगी। हाँ, जो खेला है सो खेला है। हाँ, जंगिये पहन के खेला। हाँ, बात नहीं, अब यो खेलता है गांव में लड़का सब फुटबॉल? अब नहीं, अब खत्म हो गया, अब नहीं, अब जरी लोग खाली मोबाइल पर खेल रहा है। हाँ, ये तो मोबाइल पर सब दुनिया देखो, सब एजे पड़ी देख ले बुजुर्ग।
अब नहीं, अब तो ना फिर तो हमारा यहाँ ये सारा भी, लेकिन अब नहीं खेलता। समय हम उसी ग्राउंड पर खड़े हैं जहाँ मेवालाल का फुटबॉल खेला करते थे, और मेवालाल के साथ एक भाई साहब और मिल गए हैं हमें यहाँ, जो उन्होंने आप भी फुटबॉल खेले, आप क्या करते थे उनके साथ फुटबॉल में? वो स्ट्राइकर थे? हाँ, गोलकी हम थे। गोलकी थे? हाँ। तो गोलकी तो सबसे कमजोर खिलाड़ी को दिया जाता है, मतलब जे बुझिए पक्का रहता है चाहे कि खिलाड़ी संभारना को गोलकी ज्यादा हाँ ना, तो कितना आता है तो उसी को मार देगा। तो एक जर्मनी का बहुत मशहूर गोलकी हुआ है, एक ठो ओलिवर कान, उसका नाम सुने हैं? नहीं, उतना तो हम नहीं पता है। हैं, वो बहुत मशहूर गोलकीपर है, दुनिया का बहुत मशहूर गोलकीपर था वो, क्योंकि वो गोल एकदम होने ही नहीं देता था। तो वैसे ही थे आप भी क्या? हाँ, एकदम लप पर जाते थे, एकदम मैंने ऐसा बात नहीं है, लप जाते थे। हाँ, मैंने एकदम पकड़ के गोल, गेंद आ रहा था एकदम मैंने सूत ऐसा ही हो, गिर के पकड़ लेना है। ठीक है, ठीक है। तो वो खेलते थे तो बहुत तेज शूट उट मारते थे क्या? बहुत, वो जब मारते थे तो आगे आदमी सब हट जाते, हट जाना पड़ता था उसको। अच्छा, ठीक है। फुटबॉल की जगह क्रिकेट ने, हमने बोला कि एक बात मैंने कही यहाँ पर कि भाई कैसे तुम लोग फुटबॉलर के गांव के, तो लड़के पीछे से टोन दिए कि भाई हम लोग तो अब क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, ये एक सच्चाई है भारतीय खेल की भी और भारतीय समाज के भी कि फुटबॉल की जगह क्रिकेट ने ले ली। कहाँ कहाँ क्रिकेट खेलने जाते हो? हम लोग क्रिकेट यहाँ यहाँ पे तुंगी मंझवे न इधर जाते हैं, ये एरिया मोहतुरी मेरे गाँव के बगल है, इधर जाते हैं, दरियापुर है, इधर अगल बगल खेलते हैं। कौन सा फेवरेट क्रिकेटर है तुम्हारा? मेरे फेवरेट क्रिकेटर ही है मेरा। कौन? मैंने क्या थी कौन? तुम्हारा पसंदीदा कोई होगा खिलाड़ी? हाँ, बैट्समैन, फील्डर? हाँ, तो बैट्समैन तो हम लोग में अपने खेलते हैं, तो हम लोग अपने जान से। तुम बोलता होगा ना कि तुम धोनी की तरह शॉट हाँ, लगाता है, तुम हाँ, तो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। हाँ, तो हम लोग धोनी। तुम्हारा सबसे पसंदीदा कौन है? धोनी। धोनी क्या है? धोनी क्यों नहीं, बिहार के रहने वाला भी थे, वह खेलते भी है अच्छा, कप्तान भी थे, बहुत अच्छा खेलते भी है, बहुत गेंद में बहुत भी रन मारते हैं भी। तुम भी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हो क्या? हाँ, मारते हैं। मारते हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। हंसी हंसी खेल होगी, बातचीत होगी, कोई इंटरव्यू थोड़े हो रहा है नेता का। हंसते हुए हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मारता? तनी एक्शन दिखाओ तो। ऐसे करके गेंद अगर यहाँ पे आ रहा है, ऐसे करके डायरेक्ट। तो अब तो यहाँ फुटबॉलर का गांव है, लड़का सब क्रिकेट खेलने लगा है। मोबाइल पे पबजी भी खेलते हो तुम लोग? पबजी क्या होता है? पबजी नहीं जानते हो? गेम। हाँ हाँ, गेम तो खेलते हैं। नहीं, पबजी एक तो बहुत है, उसमें हथियार उथियार उठाकर दौड़ता भागता है सब। वो सब नहीं खेलते? वो सब नहीं खेलते हैं। कौन सा गेम खेलते हो? हम लोग गेम तो नहीं है, मतलब यूट्यूब पर से हम लोग जैसे पढ़ाई का संबंधित देखते हैं। अच्छा, गेम में के माध्यम से पढ़ाई करते हो? पढ़ाई के माध्यम करते हैं। नवादा में बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करता है जी। क्या पढ़ाई करते हो यूट्यूब पे? जैसे हम लोग तो जनरल का तैयारी कर रहे हैं SSC का। अच्छा, तो उसी से जो जैसे जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास में, तो नए समझ में आया तो यूट्यूब के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। GS हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ। कितना कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? हम तो BSc पार्ट 2 में है। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी से? मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। अच्छा, तो BSc पार्ट 2 में दो साल की डिग्री मिल, अभी तक परीक्षा हो गया है? नहीं, तीन साल की डिग्री, दो मेरा फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, इस 19 जो फाइनल होता है अभी तक पार्ट 2 का भी नहीं लिया एग्जाम। उसका जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो तुम लोग प्रत्याशी से अपने पूछते नहीं हो कि हम लोग का सेशन ठीक कराओ? उस ठीक क्या कराएंगे, और तो बढ़ा दिया एग्जाम 8 तक, मतलब सॉरी कुछ पिछले बार एग्जाम थे शायद 18 मार्च से। अच्छा, अब और बढ़ा के 8 जून कर दिया। बताइए, स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसा खेला जा रहा है कि चुनाव रोक नहीं सकता है। बल्कि बॉलर के गांव के हो तुम लोग, जाके शूट नहीं मार देते हो? शूट करेंगे क्या, खुद हो सकते हैं? शूट कैसे कर सकते हैं? जो फुटबॉल का शूट, ओ हाँ हाँ, वो सब खेलते हैं। खेलते हैं फुटबॉल का शूट ले जाके मार देना चाहिए ना ढाई से। हंगामा होता है, ऐसा बात नहीं, यूनिवर्सिटी में होता है हंगामा। 85-86 हज़ार लड़कों का यूनिवर्सिटी का डिग्री फंसा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी का। सुने हाँ, तो, हाँ, सुने ना, फंसा हुआ है, मेरे भाई का भी फंसा हुआ है। तुम्हारा भी फंसा हुआ है? नहीं, वो लगा है उधर, उसका फंसा, भैया गांव का फंसा हुआ है। ठीक, नाम बताओ अपना। मेरा नाम नंदू कुमार है, घर दौलतपुर, जिस गाँव से मेवालाल रहने वाले थे। अच्छा, मैं उसी गाँव का निवासी हूँ, मेरा पड़ोसी ही थे। मैं कभी देखा नहीं। मैं देखा हूँ, मेरे पिताजी देखे थे, वो एक्सपायर कर गए हैं। ठीक है, ठीक है।